हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे सर, आज आपके टॉपिक हैशटैग नंबर 1 यूएफआई बीकॉम सेम 2 के बिजनेस इकोनॉमिक्स 2। काफी बच्चों की डिमांड थी सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स सेम 2, मतलब सेम 2 का सिलेबस पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले प्रोवाइड करा दूं तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सेम 1 में आपकी वीडियो देख के गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड काफी क्वेश्चंस वहां से बने थे। ऐसी पब्लिक की डिमांड है भाई, पर्सनल मैसेज ऑलरेडी आया था काफी बच्चों का, क्योंकि नंबर शेयर किए गए थे नोट्स के लिए। तो बात करेंगे, देखिए यहां पे सुन लो समझ लो भाई, आपका जो सब्जेक्ट है ना एफआई बीकॉम में मैथ्स अकाउंट्स 2 की कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी सेकंड चैनल पे, आरएन एजुकेशन फाउंडेशन पे। क्लियर? जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाके कर लीजिए, वहां पे मैथ्स एंड अकाउंट्स की ना कंप्लीट सीरीज आपके मिलने वाली, ए टू जेड हर एक कॉन्सेप्ट हर एक लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से करा के दिए जाएंगे। सेम 2 की बात हो रही है सर, रिमेनिंग टॉपिक्स रिमेनिंग सब्जेक्ट के भी कुछ सीरीज प्रोवाइड होगी क्या बच्चों के मन में डाउट सर? 1 से 2 चैप्टर, 1 से 2 सब्जेक्ट तो कम से कम लीजिए भाई, कुछ तो ऐसे डिमांड होगी। तो एक डिमांड आपका ना ये जो काफी बच्चों का टेंशन देने वाला टॉपिक है सर, सब्जेक्ट है आपका ना इकोनॉमिक्स की सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जाएगी इस चैनल पे, इसी चैनल पे, क्योंकि सेकंड चैनल पे सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स ही मिलेगा और बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इस चैनल पे बाकी हमारे रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट है लेक्चर पॉसिबल हुआ इकोनॉमिक्स का तो कंप्लीट है, प्रोवाइड कराया ही जाएगा, बट अदर सब्जेक्ट का टाइम मिला तो पहले से नहीं बोलो, नहीं तो बच्चे बोलने लगते हैं कि सर आपने बोला था और टॉपिक नहीं करा के दिया। तो इसलिए पहले मेंशन करूं 3 का कंप्लीट मिलेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन उसमें मत रखो, 3 का कंप्लीट मिलने वाला है। बट आपका ये जो मींस इकोनॉमिक्स को छोड़ के मैथ्स या फिर 3 का तो मिलेगा, बट इसके अलावा कोई भी जो सब्जेक्ट हमारे है सर उसका भी कुछ सीरीज मिल सकता है क्या? मैंने बोला आपसे टाइम बचा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जरूर लेके आऊंगा, कंप्लीट तो नहीं बट इंपॉर्टेंट का ले सकता हूं टाइम बचेगा तो, क्योंकि हमारी एफवाई की बैच है, एसवाई की भी है, टीवाई की भी है, 12वीं कॉमर्स वाले भी बच्चे हमारे, तो मतलब थोड़ा सा टाइम का इशू होता है भाई, अकेला सब कुछ करना पड़ता है। बट टॉपिक देखो काफी सिंपल सिंपल है बट अंदर डिटेल काफी बड़े, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये सब टॉपिक तो हमने पहले ही पढ़ के बैठा है भाई, उसके आगे की भी कहानी यहाँ देखने मिलेगी ना। बात करो सर, 4 यूनिट आपको दिख रहा है, मोनोपोली परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के टाइप थे, बिल्कुल सर मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट मार्केट के टाइप थे 2, मतलब जिसने ना ये 12वीं क्लास में ना थोड़े से अच्छे से कॉन्सेप्ट ये किया था ना तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, बहुत बड़ा मींस कंप्लीट सिलेबस ही नहीं पढ़ डालोगे भाई, कुछ तो नया दिखने वाला ही, बट बेनिफिट्स तो मिलेगा कॉमन से, क्योंकि हमको एटलीस्ट मार्केट का तो आइडिया है सर, मार्केट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मोनोपोली मार्केट हमारा क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, इसकी नॉलेज हमको पहले से ही है। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से देख लो, 2 यूनिट तो आपका यही है, पुराना ही है भाई ये, इसमें तो कुछ इशू नहीं है। नया टॉपिक आएगा सर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड 2, इसके अंदर 2 पार्ट है, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 एंड 2 करके लिखा है। लास्ट हमारा मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, इवेल्युएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नेक्स्ट ईयर आपको आएगा, भी सेमेस्टर 3rd में ही आएगा, तो ध्यान रखना इसका नोट्स जो शेयर किया जाएगा ना भाई प्रॉपर तरीके से रख लेना, नेक्स्ट ईयर काम आने वाला, फेक मत देना कहीं पे उसको, तो ये चीज ध्यान रखना, नोट्स जो प्रोवाइड कराए जाएंगे संभाल के रख लेना कहीं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, 4 यूनिट में इसका मतलब सर हमारा टॉपिक है सर, इजी टॉपिक कौन सा है, हार्ड टॉपिक कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, इसके लिए हैशटैग 2 ऑलरेडी आएगा, हैशटैग 1 में मत समझो आप, हैशटैग 1 में बस इतना समझो भाई 4 यूनिट है और हर यूनिट में 2 टॉपिक है भाई, पहले में मोनोपोली मार्केट की कहानी है, सेकंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कहानी है, सेकंड यूनिट की बात करूं सर 2 चैप्टर है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, फिर ओलिगोपोली मार्केट है हमारा। थर्ड यूनिट की बात करें सर 2 टॉपिक, प्राइसिंग प्रैक्टिसेस पार्ट 1 फिर पार्ट 2 है, लास्ट वाला ये अकेला ही बैठेगा, कैपिटल प्रोजेक्ट की कहानी है, बहुत अच्छे टॉपिक है भाई, आगे काम आने वाले हैं तो ध्यान से सुन लेना समझ लेना। क्लियर है सर? पेपर पैटर्न थोड़ा सा बताइए, क्योंकि लास्ट ईयर से डिफरेंट है, लास्ट ईयर वाला पेपर पैटर्न कोई बच्चा कॉपी ना कर लेना भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से आपका पेपर पैटर्न डिफरेंट था, मींस आपके जो भी सीनियर है भाई एसओआई में जो गए बच्चे ना उनको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव से मिल गया था, बाकी 50 आपके डिस्क्रिप्टिव थे, मींस शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर पूछा गया था, बट आपका काफी डिफरेंट रहेगा सर, क्वेश्चन नंबर 1A और B 20 मार्क्स का ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्लियर है? बट ऑब्जेक्टिव्स में भी ध्यान रखना आपको क्या क्या पूछा जा सकता है सर, एक तो मैच द पेयर पूछा जा सकता है क्योंकि फिक्स नहीं है, प्रिपरेशन आप करके रखो,
ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, बिल्कुल है सर, एमसीक्यूज एंड फिलअप, चार में से कोई भी दो पूछे जाएंगे, ऐसे ध्यान रखना, चार में से कोई भी दो, 10-10 मार्क्स का ऑप्शन भी मिलेगा, कोई 12 में से 10 कर लो और कितने 10-10 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये चीज पहले समझ लो, इसका सेम ही रूल चलेगा, ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो। और एक चीज, जो आपका यूनिट 1 है, क्वेश्चन कहां पे पूछा जाएगा, 2 में, यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, सीधा देख रहे हैं, आपको डायग्राम दिखा दिया कहां पे क्वेश्चन बनेंगे इसके, मतलब सर सिंपल तरीके से बोलू ना भाई, तो ये 15 मार्क्स का टॉपिक ये है, 15 का, मतलब 8-7 वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन सर कैसे आएगा, क्योंकि बुक में काफी बच्चों ने बुक लिया, सर लिखा फुल लेंथ और फुल लेंथ क्वेश्चन, इसका मतलब 15-15 का होने वाला है क्या, नहीं, 15 का आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, आपको लिखेंगे ऐसे देखो ए बी और नीचे सर लिखेगा ए बी या फिर सी डी लिखते, बट बेसिकली ए बी ही लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन थर्ड में भी बता दूं, ए बी ए बी, मतलब थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ तक तो यही चलेगा ना, तो सब क्वेश्चन में लिखना नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ लो, फोर्थ में भी यही होने वाला है, क्लियर है सर। और बीच में क्या लगा दो भाई, और लगा दो, ध्यान से सुनना समझना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही क्रिएट कर देता है इनके, अगर ऐसा होता भाई एनी टू आउट ऑफ थ्री करता तो भी बहुत बड़ा एडवांटेज में मानता हूं, बट ऐसा दिया तो एक प्रॉब्लम कर देते भाई, ए बी कर लो या फिर ए बी कर लो। अब यहां पे आपके पास क्या हो गया, चांस क्या है, आप ए करो ना तो भाई बी ही करना पड़ेगा, वो भी ये वाला भी, ये भी नहीं ये भी, इन केस बहुत सारे टॉपिक्स में ऐसा होता है सर हमको ये आ रहा है, ये ए आ रहा है ना, और वहां से ये वाला ए आ रहा है, तो कंफ्यूजन भाई। 15 मार्क्स मतलब टॉपिक कितने का सर, ये 15 मतलब यही आपका 60 मार्क्स का टॉपिक है, क्लियर है। अब ये जो मैंने प्रॉब्लम शेयर किया ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ होता है, सर सर ऐसा भी क्वेश्चन आया था ना, मुझे यहाँ से ए आ रहा था और यहाँ से भी ए आ रहा था, तो 15 मार्क्स मिलेगा क्या। देखो आपका ये 8 मार्क्स का आता है सर, ये 7 का आता है, ये 8 का आता है, ये 7 का आता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस टाइप के क्वेश्चंस का यही होता है ना, आप अगर ये वाला ए कवर कर रहे हो तो आपको यही बी कवर करना पड़ेगा, क्लियर सर, बिल्कुल। इसीलिए ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाते हैं जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं तो, क्यों, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे भाई, आपके यहाँ पे भी पता चला मैंने कम क्वेश्चंस आपको दिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे दूसरा यहाँ पूछ लिया, तो किसको आप तारीफ किसकी करोगे सर, कॉमेंट में या फिर पर्सनल मैसेज में शेयर करोगे अच्छी अच्छी तारीफ करते हो, किसकी सर, सर की कर दोगे भाई। काफी बच्चे ऐसे भी है कुछ भी बोल देते हैं अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैच ना हुआ या फिर नहीं आया तो, क्लियर, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को शेयर करता हूं भाई, प्रीवियस ईयर के पेपर को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस, या फिर इतने टाइम से जो आप लोगों को मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो लगता बहुत सारे कॉलेजेस के पेपर मैंने देखे हैं, तो उसके बेस पे आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। अब ऐसा तो है नहीं कि 100% क्वेश्चन सेम टू सेम छपेगा जैसा मैंने दिया है, तो लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर मैं पढ़ा दूं थोड़े से ना, तो गारंटी फिर मैं ले लेता हूं भाई, ये 60 मार्क्स जैसे दिया हूं कंप्लीट आने ही वाले हैं, या तो आपका ये वाला ए भी कवर होगा या तो ये वाला ए भी कवर होगा, तो मैं गारंटी लेता हूं। अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम चाहिए और आपको मतलब गारंटी भी चाहिए सर 60 मार्क्स हमारा ये ना, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 भी कवर होने चाहिए, तो पॉसिबल नहीं, इसका रीजन बताया, एक क्वेश्चन आपका ए में हो जाएगा, कहीं बी या ए में हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एडवांटेज आप इसकी लो ना भाई, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक दो बढ़ा लो, और बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर 15 में से 15 मार्क्स मिलना चाहिए हमको, ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट है सर, हमको ये समझ गया। क्वेश्चन नंबर 2 यहां से पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 2 से पूछेगा, 4 3 से पूछेगा, 5 यहां से पूछेगा, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 कहां से पूछेगा, ये बच्चे को मन में डाउट आया तो पहले ये समझ लो आप लोग, ए और बी दो लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स का, बोलेगा ये 10-10 मार्क्स से दो क्वेश्चन कवर कर लो, या फिर ना मिस और करके शॉर्ट नोट्स कवर कर लो। शॉर्ट नोट्स कितना आएगा सर, एनी 4 आउट ऑफ 6,
तो मेरा सजेशन कभी भी बच्चे लोगों को शॉर्ट नोट्स का रहता है कि आप शॉर्ट नोट्स को कवर करो। रीजन रीजन सर, और ये भी कितने सर 20 मार्क्स का, मतलब एक शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का रहने वाला है। और इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर सेटअप हो जाता है, पेपर पैटर्न 100 मार्क्स का है। सजेशन है कि ये लॉन्ग मत करो, क्योंकि इन केस कुछ डिफरेंट आ गया तो आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, भाई 10 मार्क्स से करने थे, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और लिखना भी थोड़े ज्यादा पड़ जाते हैं, तो इससे बेस्ट भाई शॉर्ट नोट्स ले लो, एनी 4 out of 6, दो ऑप्शन भी मिल रहा है और लिखने भी थोड़े से कम पड़ते हैं कंपेयर करूंगा इससे। तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब 6 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सीधा ऑप्शन दिख रहा है, कि 2 क्वेश्चन इनके कुछ अलग आए, कुछ डिफरेंट लेवल का है, तो भी टेंशन नहीं है सर, हमको एनी 4 तो उसमें से आ ही रहा है, एनी 4 कवर कर लेंगे 20 मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट। क्लियर है सर? क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से सुनना समझना है कि सेम टू का ना ऑलरेडी काफी लेक्चर्स, काफी सीरीज ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराई गई है। लास्ट ईयर वाला सर फॉलो कर लू क्या? बिल्कुल, ये डिस्क्रिप्टेड वाले में तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, लास्ट ईयर भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। तो आप लोग क्या करो सर, काफी लेक्चर्स मीन्स देखो ये यूनिट 4 तो कंप्लीट प्रोवाइड कराया गया भाई आप लोग को, तो यूनिट 4 कंप्लीट मतलब ये सर 15 मार्क्स आपका फिक्स प्लस 5 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स की गारंटी लिखवा लो, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, पहले से सब प्रोवाइड करा के रखो। अब काफी बच्चों को डाउट सर ये 5 मार्क्स क्या है बेटा, आप लोग का शॉर्ट नोट्स आएगा, मिनिमम एक आता ही आता है इस चैप्टर से ना, कभी दो भी बन जाते, तो बहुत बड़ा एडवांटेज सर 25 मार्क्स का हो जाता है टॉपिक, बट मिनिमम की बात करते हैं, मैं मिनिमम ही मान के चलता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम ले लिया और आया नहीं तो बच्चे फिर और टेंशन, बट मिनिमम मान के चलो भाई, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ गए तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, बट 20 मार्क्स ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट लिया हूं इस टॉपिक में, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूं, ये टॉपिक अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेना, ऑलरेडी 2 ही पार्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मेंशन है, जाके देख लेना, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, अभी से 20 मार्क्स अपना क्लियर कर लो। एक तो ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से अपलोड है, सेकंड सर मोनोपॉली के कुछ कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कंपटीशन के कुछ कॉन्सेप्ट, मोनोपॉलिस्टिक के कुछ कॉन्सेप्ट, ओलिगोपॉली के कुछ कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक यही टॉपिक आपका प्राइसिंग प्रैक्टिसेस 2, इसके 2 ही क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। तो सर जो हमारी सीरीज चलेगी उसमें सर आप न्यू फिर से चालू करने वाले हो या फिर वही रहेगी, तो मेरा सजेशन है भाई वही रहेगा, बट जो हमारे कुछ टॉपिक्स नहीं हुए ना वो मैं ऐड करा दूंगा आप लोगों को, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वही है तो फिर से लेक्चर्स प्रोवाइड करा के कोई बेनिफिट नहीं है ये, ठीक है। हाँ ये चीज है कि लास्ट ईयर बच्चों को कुछ तो रिडक्शन मिला था तो कम क्वेश्चंस बने थे, आपके इस बार ज्यादा बनेगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिंपल सा बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको #2 में मिल जाएगा ना, #2, उसके बाद जो क्वेश्चंस #2 में ऐड होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसकी सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा, वही फॉलो करके चले जाना, गारंटी लिखवा लो 100 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका, ये श्योरिटी दे रहा हूं, ये गारंटी दे रहा हूं, जितने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उतने की बात हो रही है, मतलब सिंपल सा बोलूं तो। कंप्लीट सिलेबस आप मत देखो सर, ये सिलेबस है ये है, आप सिंपल सा ये देखो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या प्रोवाइड कराए हैं, उतने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो, लेक्चर चालू कर दो भाई #1 से पढ़ना, आई थिंक जितना भी अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कितने # हमारी वीडियो जाएगी, और आपका जैसे मैंने बताया जैन एंड तक इकोनॉमिक्स की सीरीज कंप्लीट करा के दे दी जाएगी। क्यों सर? क्योंकि काफी टॉपिक्स हमारे पहले से अपलोड है, बस आपको जो न्यू कॉन्सेप्ट मैं दूंगा उसी के वीडियो आपको प्रोवाइड करा के देने वाला हूं। चलिए, अगर किसी बच्चों को ना प्रीवियस ईयर का जो भी एक्सप्लेन मैंने किया कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो वहां पे कमेंट में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, न्यू तरीके न्यू मेथड नया तरीका लेके आओ, नया एग्जांपल लेके आओ, लेके आ जाऊंगा, बट मुझे लगता है लास्ट ईयर बेस्ट काफी कराया गया था, लास्ट ईयर के बच्चों ने अच्छी अच्छी तारीफें की थी पर्सनल मैसेज में, और बहुत सारे बच्चों ने अपना नंबर भी शेयर किया था, सर इतने नंबर हमारे इकोनॉमिक्स में लास्ट के 1 week 10 days में हम लोग ने लाए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो लॉकडाउन की वजह से कंफ्यूजन था ऑनलाइन ऑफलाइन, तो सडन ऑफलाइन का एग्जाम हुआ था तो बच्चे काफी लेट पढ़ना चालू कर दिए थे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड करा के दूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ #2 का वेट करो भाई, जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, इसी मंथ के एंड तक ही प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लो, 2 महीने का टाइम है आराम से, ये नहीं बोला बहुत ज्यादा लेक्चर्स आएंगे, आराम से लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स में का सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा के दे दूंगा भाई, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इकोनॉमिक्स में बेस्ट स्कोर हो जाएगा, सेम 2 की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए, किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट में मेंशन कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करते रहो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना बीकॉम वालों को शेयर करते रहो चैनल का लिंक, ताकि उनको भी चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे, और सेमेस्टर 2 में सीएसवाई में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि एफवाई बीकॉम के जितने
ज्यादा स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स आप लोग को होगा। सर हमको कैसे होगा, तो नेक्स्ट ईयर देखो काफी टॉपिक्स ऑलरेडी पहले से अपलोड है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है ना, जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट है जिसकी सीरीज नहीं मिल पाई थी ना, उस पर सर फोकस कर देंगे, ये तो सबसे बड़ा एडवांटेज होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अदर सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।